सो हेलो लिटर्स, वेलकम बैक आज के एक नई फ्रेश वीडियो के साथ। सॉरी लेट हो गई वीडियो आने में क्योंकि बहुत हेक्टिक शेड्यूल है। तो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं और आगे से वीडियो टाइम पे आया करेगी। तो आज की जो वीडियो हमारी रहेगी वो रहेगी डिटेल रिव्यू ग्रैंड गियर और हाइक्स के नी स्लीव्स के ऊपर। तो नी स्लीव्स बेसिकली पावर लिफ्टिंग में मेजर रोल प्ले करता है जब बात आती है हैवी स्क्वाट्स की। क्यों करता है? क्योंकि जब आप हैवी स्क्वाट लेने जा रहे हो तो अगर आपको सेफ गेम खेलना है, नी इंजरी फ्री रहना है, तो आपको ऑब्वियस है नी स्लीव्स प्रिफर करने पड़ेंगे, एड ऑन करने पड़ेंगे। तो मैंने हाइक्स को लगभग 1 ईयर यूज किया और अभी अभी मैंने बूम में चल रहा है ग्राइंड गियर, इसके मैंने नी स्लीव्स मंगाए थे। अप्रॉक्स 3 मंथ्स हो ही गए मुझे इसको यूज करते हुए। तो इन दोनों का डिटेल रिव्यू देने से पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आप एक बिगनर हो तो आप स्टार्टिंग करना हाइक्स या यूएसआई के। क्यों? क्योंकि इनकी जो प्राइस रेंज है और इनकी परफॉर्मेंस है दोनों कहीं ना कहीं इक्वल है। प्राइस रेंज इनका 1500 से 2000 के बीच में पड़ जाएगा आपको। तो ये 7 mm के नी स्लीव्स आपको मिल जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा कंप्रेशन देते हैं आपको। सेम है, अगर आप यूएसआई और हाइक्स के देखेंगे तो कहीं ना कहीं सेम है, मैं इक्वल में रखता हूँ दोनों को। तो आपके ऊपर है चॉइस, आप हाइक्स लो या यूएसआई लो, पर लेकिन आप बिगनर हो तो इसको जरूर ट्राई करना, हाइक्स और यूएसआई, ठीक है। तो अब बात आती है कि मैंने स्विच क्यों किया ग्रैंड गियर में। तो ग्रैंड गियर लेने का मेरा मेन मकसद था, जब मेरा स्टेट कंपटीशन था उससे जस्ट 10-15 डेज पहले मैंने ग्रैंड गियर को ऑर्डर किया था। तो मेरे से गलती क्या हो गई थी कि मैंने जो अपना साइज है छोटा तो नहीं मंगाया था, पर एंड में आ रहा था वो साइज। अपने नीज के जब साइज का मेजरमेंट लेते हैं ना, गाइड दिया रहता है आपको वेबसाइट्स वगैरह में कि नीज का जो साइज रहता है स्मॉल मीडियम या जो भी है लार्ज वगैरह, तो मेरा आ रहा था मीडियम, मीडियम के एंड में लाई कर रहा था ये। तो मैंने वही मंगा लिया, मैंने सोचा कि हाँ कंप्रेशन ज़्यादा होगा, कहीं ना कहीं अच्छी लिफ्ट्स रहेंगी, मेरी स्टेट का कंपटीशन था। तो मैंने इसको ऑर्डर किया, तो ये आ तो गया था, घर में पहुंच गया था स्टेट से पहले, 1-2 दिन पहले घर में आ गया था मेरे। तो मैं बगल में इमेज दिखाता हूँ आपको, बहुत ट्रेजेडी है इसके पीछे। तो क्या हुआ था कि ये आ तो गया था, पर ये कहीं ना कहीं इसकी जो सिलाई होती है ना यहाँ पे, अब इमेज में देख रहे हो तो इसकी सिलाई फटी हुई थी। अब मे बी किसका डिफॉल्ट था कोई आइडिया नहीं, पर जब मैंने इसको पहनना शुरू किया ना तो लिटरली मेरे से पहना नहीं गया। मैंने सारे वेस्ट ट्राई किए, सबसे पहले तो मैंने टेप वगैरह यूज़ किया, वो हुआ ही नहीं, वो गया ही नहीं ऊपर, मतलब आधा तो जा रहा था, नीज तक का गया ही नहीं, ठीक है, इतना टाइट हो गया था। तो फिर मैंने कंप्रेशन पहने थे, कंप्रेशन पहन के भी ये नहीं गया लगाओ, तो मतलब बहुत टाइट है। टाइट इन द सेंस कि इसकी स्टिफनेस ना आप देखोगे ना, ये उतने स्ट्रेचेबल है ही नहीं। और ये वाले देखोगे ये तो फिर भी स्ट्रेच हो रहे हैं, ये तो स्ट्रेच होते ही नहीं है, तो इसकी स्टिफनेस मतलब इससे बहुत ज़्यादा है। तो स्टिफनेस जब आ जाती है ना बात स्टिफनेस की, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा वो देता है हमें परफॉर्मेंस। तो मैंने क्या किया, मैंने बात की जो ओनर है ग्राइंड गियर के, तो इनसे बात करते हुए तो इन्होंने कहा कि रिफंड तो होगा नहीं, तो क्या करते हैं इसको रिटर्न करके इसका लार्ज साइज मंगा लेते, मतलब एक साइज एक्स्ट्रा। तो मैंने मंगाया मीडियम से लेके लार्ज साइज। तो अब वो स्टेट से पहले तो आने नहीं थे कंपटीशन से पहले, तो इसको लगभग मुझे रिटर्न कराने में और वापस आने में 20 डेज, 15 या 20 डेज के अराउंड लग गए थे। तो उसके बाद आ गए थे, तो उसके बाद आने के बाद भी मैं टेंशन में था कि कहीं ना कहीं ये फटे ना आए या फिर दोबारा पहने ना जाए। जब ये आए तब भी सेम रहा, ये पहने ही नहीं है मेरे से। तो मैंने कॉन्टेक्ट किया जो ग्रैंड गियर के ओनर है, तो उन्होंने 1-2 वीडियो ट्यूटोरियल वगैरह दिए। तो फिर मैंने क्या किया, जो ये रहता है ना अगर आप बाय करोगे ग्राइंड गियर के, ये 2500 के अराउंड पड़े जाते हैं, सॉरी मैंने इसकी प्राइसिंग बताई नहीं थी, तो 2500 के पड़े आते हैं। तो जब इसको आप पहनना चाहोगे ना, तो पहले तो एक साइज छोटा मत मंगाना, अगर आप इनके साथ जाओगे हाइक्स या यूएसआई के, एक साइज छोटा मंगाओगे चलेगा, पर ग्रैंड गियर का एक साइज छोटा कभी मत मंगाना, जो अंडर लाई करता है ना आपके साइज वही मंगाना। और इसको पहनने का तरीका क्या है, 1/4 आप जब इसको फोल्ड करोगे ना, 1/4, ये आपने अभी तो पहन नहीं सकता मैं वैसे क्योंकि कॉस्ट्यूम में होनी, तो ये आपने कहीं ना कहीं 1/4 फोल्ड किया, और जब इसको आप रोल करोगे ऊपर नीज तक, तो नीज का जो अपर पार्ट होगा ना ये वाला, यहाँ तक का लेके आना और उसके बाद इसको अप करना, तो ज़्यादा इजी रहेगा पहनने में एज़ कम्पेयर टू कि तुम खींच रहो पूरी जान लगा रहे हो, खाली वेस्ट ऑफ एनर्जी है, आपकी परफॉर्मेंस और गिरा देगी। तो अब बात करेंगे दोनों में से बेस्ट कौन से हैं। अगर आप प्राइस रेंज को ज़्यादा लाते नहीं हो बीच में, तो मैं ऑब्वियस से ग्राइंड गियर बोलूंगा। ग्राइंड गियर क्यों? क्योंकि इसकी स्टिफनेस ज़्यादा है, स्टिफनेस ज़्यादा होगी तो आपको ऑलरेडी कंप्रेशन डबल मिलना है, डबल भी क्या मतलब 1.5 इंटू ज़्यादा मिलेगा इससे, तो ऑब्वियस ग्राइंड गियर को चुनना आप। लेकिन साइज का जो इश्यू रहेगा ना, जैसे मुझे रहा था कि
कि कहीं साइज छोटा ना आ जाए। एक साइज छोटा मत मंगाना कभी भी, अगर ग्राइंड गियर मंगा रहे हो तो एक साइज छोटा गलती से भी मत मंगा लेना, रिटर्न करना पड़ेगा आपको, ऑब्वियस है। तो वही साइज मंगाना जो आप अंडरलाई करते हो उस कैटेगरी में, स्मॉल मीडियम लार्ज जो भी है, ठीक है। बाकी इसके लिफ्ट्स वगैरह मैं बगल में डाल दूंगा, देखना। इसने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिया मेरे स्क्वाट्स में, कहीं ना कहीं इससे तो बेटर ही था 100 USI के उससे, ठीक है। तो वीडियो वैसे भी लंबी नहीं करना चाहूंगा, डिटेल रिव्यू था, डिटेल मतलब डिटेल भी गया था, मतलब काफी था। इतना आपको गाइड मिल गया होगा एक कि कौन सा बेटर रहेगा आपके लिए। तो होप फॉर द बेस्ट, आप अच्छा चुने और अपनी लिफ्ट्स को बढ़ाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लिफ्टिंग।